हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। आज डेट है 7 जुलाई 2022। नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। गाइस, हमारी जर्नी शुरू होती है जम्मू से। जम्मू स्टेशन से बाहर निकलते ही 100 मीटर पर आपको अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन मिलता है। टोकन का मतलब है रजिस्ट्रेशन या परमिट। अगर आप अपने शहर से परमिट नहीं लेके आए तो आप यहाँ जम्मू आकर भी अपना रजिस्ट्रेशन परमिट बनवा सकते हैं। यहाँ से आप बालटाल और पहलगाम दोनों के लिए परमिट बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको जम्मू स्टेशन से भगवती नगर यात्री निवास जाना होता है। यहाँ जाने के लिए आपको बाहर चौक से मिनी बस मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 30 रुपये पे करने होते हैं। इसके बाद आपका आगे का प्रोसेस यहीं भगवती नगर यात्री निवास में होगा। यहाँ पर पहुँचकर आपको अपना एक यात्री कार्ड बनवाना होता है, जिसके लिए आपको अपनी कोई भी एक आईडी दे सकते हैं। और आपका यही यात्री कार्ड आपको हर जगह एंट्री दिलवाएगा। और यहीं से आपको पहलगाम और बालटाल के लिए बस की टिकट भी मिल जाएगी। बस की टिकट के रेट कुछ इस प्रकार हैं। भगवती नगर यात्री निवास से करीब 3 या 4 बजे तक गाड़ियों और बसों को बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे के साथ निकाला जाता है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपके 6 से 7 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको हर तरह की सुविधा प्राप्त होती है। खाने पीने के लिए आपको भंडारे लगे हुए मिलेंगे। पहलगाम पहुंचकर आप या तो बेस कैंप में या फिर होटल में रुक सकते हैं। गाइस, यहीं पहलगाम में हमें कुछ भक्त मिले जो पहले भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। तो आइए इनकी बात सुनते हैं, इनका क्या कहना है इस जगह के बारे में। बड़े अच्छे लोग हैं यार, अच्छा। हमें मिले यहाँ पे पहलगाम में। बेसिकली हम जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आए हैं, लालरू पंजाब से, और ये अभिषेक हैं, मैं अंकुर वर्मा, और ये शिवम। और हम यहाँ पर रेगुलर आते हैं, मतलब हर साल। पिछले 4-5 साल से हम लोग हर साल आ रहे हैं। पिछले 2 साल से यात्रा बंद थी, सो नहीं आ पाए। हाँ, तो हमें हमारी ये लोकेशन नोन है बेसिकली, तो हमें, लेकिन बट ये है कि ये लोकेशन को इस वक्त जैसा एनवायरनमेंट है, क्लाउडी एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और मतलब आपको इवन की बैकग्राउंड ऊपर बर्फ पड़ी है, बर्फ। और अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी प्राणी अमरनाथ जी की यात्रा से डरता है उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बेस्ट फैसिलिटीज अभी अवेलेबल कराई गई है गवर्नमेंट द्वारा, सिक्योरिटी से लेकर सभी कुछ। हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलवाया गया है। इवन कि यहाँ का इस वक्त पिछले कुछ सालों में अगर कंपेयर की जाए, कल्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। वही थी, थैंक यू सर। यहाँ पहलगाम से सुबह 5:30 बजे गाड़ियों को चंदनवाड़ी के लिए छोड़ा जाता है, जिसके लिए आपको 180 रुपये पे करने पड़ते हैं। चंदनवाड़ी से सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं, यात्री जा रहे हैं लगातार, और यहाँ का नज़ारा दिखाइए एक बार। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, सुंदर व्यू है। ये अपनी नदी जा रही है, बहुत ही बढ़िया रिवर है, यहाँ तक पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू कर कर हम शेषनाग, और हो सकता है इससे भी आगे हम पहुँच पाएँ। तो हमारे साथ सामान बहुत था, इसलिए अरुण भाई हैं, इनके जानकार थे, वहाँ पर हमने पंडाल में अपना कुछ सामान रखवाया है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। पहले क्या एक्सपीरियंस करके गए हैं ये आप लोगों को भी बताएंगे। चलो, लो जी, तरुण जी,
हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि देखो ये एक कुदरत की देन है और एक ये बाबा बर्फानी ने हमको एक आशीर्वाद रूपी ये कुदरती कश्मीर जैसी जगह पे हमारे को आने का मौका मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी जो नहीं आया या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं वो भी कभी ना कभी ज़रूर अपना मन बनाएं और यहाँ पे ज़रूर आएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। आपकी हर मनोकामना बाबा बर्फानी पूरी करेंगे जी। जय भोले, जय भोले की, बम बम भोले, बम बम भोले। दोस्तों आज अभी का नज़ारा यहाँ तक चल रहा है और आगे की शुरुआत करते हैं, चलो आगे चलें। दोस्तों अभी हम सिर्फ 20 से 25 मिनट ही चले हैं और बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बम बम भोले, बम बम भोले। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं रोहतक वालों के भंडारे के पास। स्टार्टिंग में पहला भंडारा यही है, चंदनवाड़ी से आप चलोगे तो आपको 20-25 मिनट चलने के बाद पहला भंडारा रोहतक वालों का मिलेगा। आइए करवाते हैं आपको भंडारे के दर्शन। गाइस ये देख सकते हो, हम वहाँ से आ रहे हैं और ये चलते हुए ये यात्रा चलती हुई हमें वहाँ पर जाना है। वो देख रहे हो आप ऊपर, बिल्कुल ऊपर लोग चल रहे हैं। दोस्तों 7 बजे के आसपास हम नीचे चंदनवाड़ी से चले थे और अब यहाँ तक पहुँचे हैं। 50 यानी 1 घंटा लगभग हम चले हैं और हमारी हालत ये देखो, ये भाई अपने तरुण भाई, आपको इनसे पहले भी मिलवाया था मैंने। भैया कैसी हालत है आपकी? हालत देखो ऐसा है जी, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ही ना, हो सकते हो आप अगर आपके पास ज़्यादा वजन है। अब मेरे को देख सकते हो मैंने बहुत बड़ा बैग ले रखा है, ये बैग पैक होता है, ये बड़े वाला बैग है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो जी इसमें 2 जनों का सामान है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अमरनाथ यात्रा में आ रहे हैं तो आपको अगर आप 2 बंदे हैं चाहे 3 बंदे हैं, आपको सभी को अपना अलग अलग बैग लेना चाहिए। एक ही बैग में आप बिल्कुल भी गलती ना करें कि आप 2 बंदों का या 3 बंदों का सामान इकट्ठा डाल के रहो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप एक एक बैग अपना सेपरेट बैग लेके चलें। यही मेरे से आपसे विनती है जी। अब के लिए इतना ही, अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, चलो आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करवाते हैं। और भैया कैसे हो? भैया एक नंबर है बस, थक चुके हैं। थक गए भैया? कैसे कैसे रास्ते हैं, ये पूरी ऊंची पहाड़ियां, ये देखो अगर आप बस यहां से सही अपना प्यार करीब बना करके चलें, बम 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 बम। अब यहाँ से ये यात्रा की दूरी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जोजीबल 4 किलोमीटर है, पोषपत्री 19 किलोमीटर है, नागाकोटी 6 किलोमीटर है, ये दर्दकोटी 22 किलोमीटर है, शेषनाग 9 किलोमीटर है, पंचतरणी 26 किलोमीटर है और वैवबाल 12 किलोमीटर है, संगम टॉप 28 किलोमीटर है और एमजी टॉप 16 किलोमीटर है, होली केव 30 किलोमीटर रह गई है यहाँ से हमारी अमरनाथ की यात्रा। तो गाइस चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और करती हैं अपनी यात्रा को दोबारा से आरंभ। गाइस ऐसा है, हम पिस्सू टॉप से चले थे और यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ पर ठंड शुरू हो चुकी है। देखो मैंने तो ऐसा है टोपी पहन ली है और ये भाई भी अपना गर्म कपड़े पहन रहा है। देखो ऐसा है, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना, हमने आगे भी जाना है, 30 किलोमीटर दूर जाना है, इसके लिए बिल्कुल भी सावधानी बरतें, जो अपने गर्म कपड़े लाए हैं पहन लें। गाइस बहुत ही देख सकते हो आप, मज़ा आ गया, बर्फ ही बर्फ यहाँ पे, ये देखो ये देख सकते हैं आप बर्फ बर्फ दबा के।
बढ़िया आ रही है, हट जा भाई, हट जा, हट जा, आगे आगे आगे।